हरिओम नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। एक बार फिर से हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, तो इसी प्रसंग में आज हम 34 से लेकर के 36 तक श्लोकों को देखेंगे। तो आइए आज की कक्षा को हम आरंभ करते हैं। तो हम सभी के समक्ष 34वां श्लोक समुपस्थित है, आइए इसका सर्वप्रथम उच्चारण करें और अध्ययन को आगे बढ़ाएं। परिभ्रमलोहित चंदनोचितः पदान्तिरन्तर्गिरेडुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनीतिनो कच्चिदयं वृकोदरः। अब इस श्लोक में जो द्रौपदी हैं वो युधिष्ठिर को क्या कह रही हैं, युधिष्ठिर को किस प्रकार से उत्साहित करते हुए युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हैं वो हम जानते हैं। अब इसमें इसका सरलार्थ है कि वो कहती हैं कि आप इस महारथी भीम को इस अवस्था में देख करके भी आपको थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। जो महारथी युद्धों को बड़े बड़े युद्धों को जीतने वाला भीम है वो वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति में आ गया है, उसको देखकर भी क्या आपको क्रोध नहीं होता है? क्योंकि इससे पूर्व वाले श्लोक में बताया था कि यथोचित जहाँ हमें क्रोध करना चाहिए वहाँ क्रोध करना चाहिए और जहाँ नहीं करना चाहिए वहाँ क्रोध हमें नहीं प्रस्तुत करना चाहिए। यदि हम इस तरह नहीं करते हैं तो हमसे हमारे मित्र प्रेम भी नहीं करते हैं और शत्रु हमसे डरते भी नहीं हैं। तो इसमें कहते हैं कि परिभ्रमन लोहित चंदनोचितः पदान्ति ही अंतर्गिरि रेणुरूषितः महारथः सत्यधनस्य मानसं दुनीति नो कच्चिद अयम् वृकोदरः। कहते हैं अयम वृकोदरः, वृकोदरः कहते हैं भीम को, वृक इव उदरः यस्य, वृक के समान उदर था जिसका, वैसा कौन? भीम। तो अयम वृकोदरः महारथः, और वृकोदर का विशेषण क्या है? महारथः अयम वृकोदरः, और वो वृकोदर भी कैसा है? महारथी है, महाबलशाली है, भीम है। तो वह महारथः अयम वृकोदरः सत्यधनस्य मानसम्। सत्यधन किसको कहते हैं? युधिष्ठिर को। सत्य एव धनम यस्य सः, सत्य ही धन है जिसका, क्योंकि कहा जाता है कि युधिष्ठिर का जो धन है वो सत्य है, क्योंकि वो सदैव अपने जीवन में सत्य के ही मार्ग पर चले थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, सत्य ही उनका धन था, इसलिए उनको सत्य धन कहते हैं। तो तस्य सत्य धनस्य मानसम अयम महारथः वृकोदरः, अर्थात उस सत्य को धन मानने वाले के मानसम यानी कि उसके मन को यह वृकोदर कच्चित न दुनीति, क्या किसी भी प्रकार से कहीं भी यह उनके मन को क्या आतापित नहीं कर रहा है, क्या दुखित नहीं कर रहा है? ऐसा द्रौपदी बताती हैं कि इतना बड़ा महामारथी भीम का जो पराक्रम है, इस प्रकार वाली स्थितियों में भीम को देख करके भी क्या आपको क्रोध नहीं आता है, क्या आपको दया नहीं आती है दुर्योधन की इस स्थिति को देख करके, नहीं भीम की इस स्थिति को देख करके? अब वो भीम कैसी स्थिति में है, क्यों युधिष्ठिर को क्रोध आना चाहिए जहाँ पर द्रौपदी कह रही हैं? तो कहते हैं कि लोहित चंदनोचितः, भीम पहले क्या था, जब वो वहाँ राजमहल में रहता था, सभी पांचों भाई वहाँ पर रहते थे, तो वो लोहित चंदनेन उचितः युक्तः, लोहित कहते हैं रक्त, रक्तवर्णीय, तो रक्तवर्णीय चंदनेन उचितः, रक्तवर्णीय चंदन से जो उचित था, उचित था कहने का मतलब है युक्त था, चर्चित था, अर्थात जो प्रतिदिन रक्त चंद का लेप किया करता था वह वृकोदर, और कैसा है वो?
पदांति अंतरगिरी, पदाति ही यहाँ पर पदाति है, पदातिरंतर गिरी, यहाँ पर गिरी होना चाहिए, अर्थात गिरी यानी कि पर्वत में, तो पदाति ही और पदाति है जो, पदाति का मतलब है पदाति का यदि हम अर्थ देखें तो चरणचारी, चरणचारी यानी कि जो चरणों से युक्त है, वृकोदरह का जो पहला विशेषण लगाया वो तो लगाया महारथ, फिर दूसरा विशेषण लगाया लोहित चंदनोचित, अर्थात रक्त चंदन से जो चर्चित था, युक्त था, और वो वर्तमान में कैसा है, पदाति ही है वो। उच्चारण में यदि मुझसे पदांति ही भी हो गया होगा तो यहाँ पर पदाति ही है, पदाति ही कहने का भाव यह है जो पैदल विचरण कर रहा है, पदाति ही मात्र पैदल चल रहा है, जो पहले रथ में चढ़ा करता था क्योंकि वो महारथी था, वो अभी वर्तमान में कैसा है, पदाति ही है और अंतरगिरी है वो। अंतरगिरी यानी कि गिरौ इति, जो पर्वतों की अंदर गुफाओं पर पदाति ही विचरण कर रहा है, और वो अब कैसा है, जैसे ऊपर वाले का विपरीत विषम बताते हैं कि जो लोहित चंदन से युक्त था, रक्त चंदन से युक्त था, वो इन पर्वतों की अंदर गुफाओं में विचरण करने के कारण रेणु रूषितः, रेणु होता है धूल, रूषितः युक्तः अर्थात रेणु से जो रूषित, रेणुना उषितः, जो अब वर्तमान में धूल से युक्त हुआ है, इस प्रकार के परिभ्रमण, इस प्रकार के घूमते हुए महारथः वृकोदरः, इस प्रकार का यह पैदल इन पर्वतों की गुफाओं पर विचरण करने वाला यह वृकोदर क्या आपको दुख नहीं देता, क्या इस प्रकार महारथी के जो पहले चंदन इत्यादियों से युक्त हुआ करता था, बड़ा बड़ा अपना बल दिखाता था, अपने बलशालीता को प्रकट करता था, तो वह वर्तमान में धूल से युक्त हो रहा है और कहाँ पहाड़ों की गुफाओं में घूम रहा है, क्या इस प्रकार का भीम आपके हृदय को दुख नहीं पहुंचा रहा है, क्या आप उसको देख करके क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा द्रौपदी उनको कहने का अभिप्राय यह है द्रौपदी का कि यह इस प्रकार की भीम की परिस्थितियां आ जाना आपके लिए परिताप का विषय है, इसलिए आपको परिताप का विषय होना चाहिए। अब इसमें अलंकार की बात करें तो इसमें विषम अलंकार है, विषम अलंकार देखा मैंने, क्योंकि पहले बताया है लोहित चंदनोचित, जो पहले तो रक्त चंदन लगाया करता था, अब वो उसकी विपरीत स्थिति हो गई है, वो धूल से युक्त हो गया है, पूरी विषम परिस्थितियों में है, तो इसलिए विषम अलंकार इस स्थान पर हमें मिलता है। वंशस्थ छंद तो इसमें है ही, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर लिखा हुआ है रेणु रूषित, ये रेणु रूषित है और यहाँ पर है लोहित चंदनोचित, तो इन दोनों शब्दों के माध्यम से हमें यहाँ पर विषम अलंकार प्रतीत होता है। तो आइए हम अब अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अग्रिम श्लोक हमारा है यह 35वां श्लोक हम पढ़ेंगे, तो 35वां श्लोक है मित्रों, विजित्य यह प्राज्यमय छदुत तरान कुरुन कुप्यम वसुवासवोपमः, विजित्य यह प्राज्यमयच्छदुत्तरान कुरुन कुप्यम वसुवासवोपमः, सवल्कवासांक्षितवाधुनाहरन् करोति मन्युः न कथं धनंजयः, करोति मन्युः न कथं धनंजयः धनंजयः। अब पहले द्रौपदी ने युधिष्ठिर के सबसे बड़े भाई की स्थिति बताई, अब उसके बाद जो उनसे छोटे भाई हैं अर्जुन, उनकी स्थिति बता रही है कि वर्तमान में अर्जुन की क्या स्थिति हो गई है, उनकी स्थिति को देख करके भी क्या आपको क्रोध नहीं आता, अर्थात आना चाहिए, ऐसा इस श्लोक में द्रौपदी बताती हैं। अब इसमें धनंजय, आप सभी जानते हैं गीता में भी धनंजय शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया गया, तो धनंजय का मतलब है अर्जुन, तो अर्जुन को देख करके भी क्या आपको क्रोध नहीं आता। अब अर्जुन कैसा है उसके बारे में बताते हैं कि
प्रारंभ से देखते हैं, यह उत्तरान कुरून विजित्य, जिसने उत्तर कौरव देशों को जीत लिया था, उन उत्तर कुरून देशों को जीत करके, आपको दिख रहा होगा यह प्राज्यम, प्राज्यम नहीं होगा यहां पर, यह उत्तरान कुरून विजित्य, जिसने उत्तर कौरव देशों को विजित्य माने जीत करके प्राज्यम वसु अयच्छत, प्राज्यम यानी कि अत्यधिकम, प्राज्यम अत्यधिकम, वसु माने धन, धन को अयच्छत माने लाया था, दिया था, दिया था माने युधिष्ठिर को दिया था, क्योंकि अर्जुन ने अपने पराक्रम से उत्तर कुरु उन देशों को जीत लिया, उनको जीतने के बाद जो भी धन उनसे ग्रहण किया वो युधिष्ठिर को ला करके दे दिया। तो और वो धन कैसा था, अकुप्यम वसुहु, वसु धन के लिए प्रयोग किया गया है, तो अकुप्यम वसुहु प्राज्यम अयच्छत, जिसने अत्यधिक मात्रा में पूर्व में उत्तर कुरु देशों को जीत करके धन ला करके आपको दिया। और यह का जो यह का प्रयोग किया गया वो अर्जुन के लिए जो है वो, और वो कैसा है, वाशवोपमा, वशवः उपमा यस्य सः, अर्थात वसु कहते हैं इंद्र को, अर्थात वाशव, तो अर्थात इंद्र के साथ उपमा की जा सकती है जिसकी, इंद्र के समान जो है, वाशवोपमा इंद्र उपमा, इंद्र की उपमा को, इंद्र की समानता को धारण करने वाला यह अर्जुन, जिस अर्जुन ने पूर्व में प्राज्यम उत्तरान कुरुन जीत्ये, उत्तर कौरव देशों को जीत करके प्राज्यम वसु, प्राज्यम प्रचुरम अत्यधिकम, वसु यानी कि धन इत्यादि को अयच्छत तुमको ग्रहण किया, अब वो धनंजय वही अर्जुन वर्तमान में क्या कर रहा है, सह धनंजय, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा सह धनंजय, वही धनंजय जो धनंजय पूर्व में किसने, यह वासवोपमः उत्तरान कुरून विजित्य प्राज्यम वसु अयच्छत प्रचुरम धनम अयच्छत, अत्यधिक धन को लाया था, और सह एव धनंजय, वही अर्जुन, वही अर्जुन के बारे में बता रहे हैं कि वही अर्जुन अधुना आजकल, जिसने पहले उत्तर कुरु देशों को जीता था, वही अधुना सह धनंजय एव अधुना क्या कर रहा है वो अर्जुन वर्तमान में, वर्तमान में कर रहा है वो वल्कवासांसी आहरण, वल्कल के कपड़ों को जो वृक्ष की छाल से बनाए जाने वाले वस्त्र हैं, तानी वासांसी आहरण, उन कपड़ों को उन वल्कल से बन जाने, अधुना सांप्रतन वल्कवासांसी अर्थात तरुत्वग वस्त्राणि, जो वृक्षों की छाल से बनाए जाने वाले वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों को आहरण, आहरण माने तुम्हें देता हुआ, ग्रहण कराता हुआ, क्योंकि अपने ज्येष्ठ भ्राता की सेवा कर रहा है, उनके साथ निवास करते हुए, तो वही अर्जुन वर्तमान में इन वृक्षों की छाल को ला रहा है, जिसने उतने बड़े देशों को जीत लिया हो, सबको पराजित कर लिया हो, और प्रचुर मात्रा में धन ला करके आपको दे दिया हो, इतना कर लेने के बाद भी वह वर्तमान में क्या, कपड़े की छाल के वस्त्रों को ला रहा है, जबकि उसको राजमहल में निवास करना चाहिए, सुंदर वस्त्रों को पहनना चाहिए, तो वो कपड़े की छाल की वस्त्रों को ला रहा है, तो ऐसी स्थिति में उस अर्जुन को देख करके कथम मन्युह न करोति, आप क्रोध क्यों नहीं कर रहे हैं, कथम माने क्यों नहीं, मन्युह माने क्रोध को, न माने नहीं, करोति माने कर रहे हैं, तो अर्जुन की कम से कम इस तरह की, अर्जुन जो धनुर्धारी हैं उनकी स्थिति को देख करके तो आप क्रोध कीजिए, तो इस प्रकार के भाव को द्रौपदी युधिष्ठिर के समक्ष प्रकट कर रही हैं। पूर्व वाले श्लोक में बताया कि आप इस भीम की स्थिति को देख करके क्रोध कीजिए, और अब अर्जुन की स्थिति को क्रोध करके, स्थिति को देख करके क्रोध कीजिए, तो
अब अग्रिम श्लोक में वो उन तीनों जो छोटे दोनों भाई हैं नकुल और सहदेव, उनके बारे में बता रही है, उसको हम देखते हैं। इस श्लोक में हम अलंकार देख लेते हैं। तो अलंकार की बात करें तो इसमें जो अर्जुन है ना, अर्जुन के लिए कई विशेषणों का अर्थात साभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया है, तो परिकर अलंकार इसमें है। क्योंकि जहाँ पर जैसे धनंजय के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वासवोपमः, ठीक है, धनंजयः सह, तो इस प्रकार से इसमें परिकर अलंकार स्पष्ट होता है। और द्वितीय बात, वासवोपमः कहा है, अर्थात वासव यानी कि इंद्र से उपमा की गई है उसकी, अर्जुन की, तो उपमा अलंकार भी इसमें है। आइए हम अब अग्रिम श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो अग्रिम श्लोक हमारा आज का है, आज का अंतिम श्लोक 36वां श्लोक है, इसको पढ़ते हैं। बड़ा सुंदर शब्दों से गुंफित है यह श्लोक। वनांतशय्या कठिनी कृता कृतो, वनांतशय्या कठिनी कृता कृतो, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ, कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ, विलोकयन्नुत्सहते न बोधितुम, विलोकयन्नुत्सहते न बोधितुम। मैंने बताया था, अब इस वाले श्लोक में वह उन नकुल और सहदेव जो दोनों कनिष्ठ पांडव हैं, उनकी स्थिति को द्रौपदी बता रही है कि उनकी कैसी स्थिति है, उन दोनों छोटे भाइयों की। कम से कम आप उनकी स्थिति को देख करके तो क्रोध कीजिए, उनकी स्थिति को देख करके तो आप अपने इस धैर्य और संयम को त्यागिए। तो इसमें क्या कहते हैं, बड़ा सुंदर और सरल सा श्लोक है यह, किंतु दो तीन अलंकारों से अलंकृत है यह। मैं अच्छी प्रकार से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो क्या कहा, वनांत शय्या कठिनी कृत आकृति। वन के अंदर, वन में निवास करने से, वहां पर शय्या की कठिनता से, क्योंकि वहां कोई अत्यधिक शयन करने की सुंदर राज व्यवस्था तो है नहीं, क्योंकि वन में तो वह घास इत्यादि का आसन बना करके ही रहते थे। तो वनांत शय्या कठिनी कृतः आकृति यस्य नहीं ययो, जिनकी, अर्थात तो वन में शयन करने से कठिन हो गई है शरीर की आकृति जिनकी, यानी कि वन में शयन करने से जो कठोर हो गए हैं। तो कठिनाकृति ही आकृति, कहीं पर आकृतो मिलता है, कहीं पर आकृति भी मिलता है, तो आकृति सही होगा, क्योंकि आकृति ही आकृति आकृतयः दोनों के लिए प्रयोग किया गया है, नकुल सहदेवौ तो उन दोनों के लिए कहा है। तो वनांत शय्या कठिनी कृताकृति, अर्थात तो वन में निवास करने, वन की जो कठिन शय्या है उस पर निवास करने के कारण कठिन कठोर शरीर वाले, और कचाचितौ, और जो बालों से युक्त हैं, बालों की वृद्धि होगी है, कचा नाम वृद्धि, अर्थात कचों के जो कच होते हैं, केश हैं, वो बढ़ गए हैं, तो कचा चितौ, और विश्वक का प्रयोग है कचा चितौ, विश्वक यानी कि परितः, चारों ओर से, विश्वक यानी कि चारों ओर से, कह रहे हैं कि विश्वक कचा चितौ, अर्थात चारों ओर से बालों के बढ़ जाने से, केशों की वृद्धि हो जाने से, विश्वक इव अगजौ गजौ, अर्थात अग में उत्पन्न होने वाले, अग माने पर्वत, पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथियों के समान वो हो गए हैं। दो चीज़ें उनमें हो गई हैं, एक तो वन की शय्या में निवास करने से उनका शरीर कठोर हो गया है, और दूसरी क्या हो गई है, चारों ओर से बालों के बढ़ जाने से वो पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथी के समान हो गए हैं। क्या कहा, विश्वक इव गजौ, विश्वज्ञ अगजौ गजौ इव, अगजौ गजौ इव विश्व कचाचितौ, चारों ओर केशों की वृद्धि हो जाने के कारण वो पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथी की तरह हो गए हैं वो दोनों भाई। और कथम त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहते न बोधितुम, फिर कहते हैं कि
त्वम एतौ, त्वम युधिष्ठिर के लिए कहते हैं, त्वम हे युधिष्ठिर, त्वम एतौ यमौ। यहाँ पर भी धृति संयमौ यमौ दोनों शब्दों का बड़ा सुंदर चमत्कार है। तो त्वम एतौ यमौ, इन दोनों यमौ, इन दोनों यमौ यानी कि इन दोनों नकुल सहदेवौ, इन दोनों को विलोकयन, इन दोनों को देखते हुए। यमौ का अर्थ क्या है एक बार मैं आपको देख करके बता दूँ। यमौ यमालय, यमालय के बारे में बताया गया, अर्थात जो बनेले हाथियों की तरह, कैसे हैं वो, बनेले हाथियों की तरह हैं। तो एतौ यमौ, इन दोनों को विलोकयन, इन दोनों नकुल और सहदेव अपने छोटे भाइयों को देखते हुए ऐसी स्थिति वाले हो गए हैं वो, इन दोनों को देखते हुए त्वम कथम धृति संयमौ बोधितुम न उत्साहते, फिर भी आप अपने इस धृति और संयम को, धृति और संयम दोनों हैं, तो धृति संयमौ बोधितुम कथम न उत्साहते, फिर भी आप अपने इस धृति माने धैर्य को, संयम माने आपने अभी तक जो संयम कर रखा है अपने क्रोध पर, उसको बोधितुम, उसको जगाने के लिए, उसको तोड़ने के लिए कथम न उत्साहते, क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं, क्यों नहीं उत्साहित हो रहे हैं। अब इन तीनों श्लोकों में उन्होंने उनके छोटे चारों भाइयों का वर्णन कर दिया है कि वन में निवास करते करते किस प्रकार भीम की, किस प्रकार अर्जुन की, किस प्रकार नकुल सहदेव की स्थिति हो चुकी है वो बताया। तो तब कहती हैं कि आपको फिर भी क्रोध क्यों नहीं आ रहा है। त्वम एतौ यमौ विलोकयन, तुम इन दोनों भाइयों को देखते हुए भी धृति संयमौ बोधितुम कथम न उत्साहते, अपने धैर्य और संयम को बोधित करने के लिए, जगाने के लिए उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। अब इस अलंकार में वैसे सर्वप्रथम मैं चार अलंकारों को स्पष्ट आप सभी के सामने करूंगा, क्योंकि बड़ा ही सुंदर लिखा गया है। देखो, वनांत संया कठिनी कृताकृतौ, आपको निशान लगा करके मैं भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर है वनांत संया कठिनी कृताकृति, जो कृताकृति दो दो क क और त त दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ किया गया है। फिर नीचे वाले में कचा चितौ विश्वगिवा गजौ गजौ, बड़ा ही सुंदर चमत्कार है, गजौ गजौ ये भारवी की कला है। और फिर तीसरे पाद में कहा कथम त्वमेतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन नुत्सहते नबोधितुम। तो तीन जगह इन शब्दों का चमत्कार देखिए आप, यहाँ पर यमौ यमौ है, यहाँ पर गजौ गजौ है, यहाँ पर कृताकृति है, और यहाँ कचा चितौ है। यमक अलंकार की दृष्टि से हम देखें तो यहाँ पर गजौ गजौ दोनों शब्द एक जैसे हैं, और नीचे यमौ यमौ शब्द दोनों एक जैसे हैं, लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जानते हैं, यदि जहाँ पर सत्यर्थे पृथगर्थाया स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तैनेर व्यावृत्तिर यमकम विनिगद्यते, जहाँ पर शब्दों का अर्थ तो अलग अलग होता है किंतु आवृत्ति उनकी दो से या अधिक बार हो जाती है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो यमौ यमौ, गजौ गजौ, कृताकृतौ, कचाचितौ, इन स्थानों पर यमक अलंकार है। अब दूसरे अलंकार की बात करते हैं, तो इसमें उपमा अलंकार भी स्पष्ट है, वो तो आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विश्वक इव गजौ अगजौ गजौ इव, अर्थात पर्वत में उत्पन्न होने वाले हाथियों के समान, तो हाथियों के समान, हाथियों से तुलना कर दी है उन दोनों भाइयों की, तो वो कैसे, वहाँ पर उपमा अलंकार भी हो गया। और यहाँ पर तृतीय अलंकार की बात करें तो तृतीय अलंकार है, यहाँ पर परिकर अलंकार भी है। परिकर अलंकार तो और अच्छे से स्पष्ट है, क्योंकि परिकर अलंकार में जहाँ पर एक शब्द के लिए जो अभिप्राय विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके लिए जो दोनों हैं नकुल और सहदेव, उनके लिए क्या किया है, एक तो क्या वनांत शय्या कठिनी कृताकृति और कचा चितौ अगजौ गजौ इव और एतौ यमौ, इन दोनों को, तो इतने शब्दों का प्रयोग, विशेषण साभिप्राय विशेषण का प्रयोग किया, तो परिकर अलंकार भी है। तो तीन अलंकार स्पष्ट हो गए हैं यहाँ पर, यमक अलंकार, उपमा अलंकार और परिकर अलंकार। अब चौथा अलंकार, इसमें विरोधाभास अलंकार भी है।
विरुद्धाभास अलंकार आपको दिख रहा होगा द्वितीय पाद के अंतिम में, इन्होंने लिखा है कि विश्वक इव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विश्वक, यदि विश्वक है तो आगे इव हो जाएगा, तो विश्वक इव अगजऊ गजऊ, शब्द क्या बच रहा है आगे, अगजऊ गजऊ। तो अगजऊ गजऊ, यदि वो अगज है, अगज यानी कि अग माने होता है पहाड़, तो यदि वो अग में नहीं है, न गजऊ, यदि वो गज नहीं है, अगजऊ, यदि वो गज, गजऊ तो गज है, और अगजह, यदि जो गज नहीं है फिर भी गजऊ कहा, विरोधाभास है ना, यदि वह गज नहीं है तो फिर अग्रिम शब्द में गजऊ क्यों कहा है। तो इस प्रकार से अगजऊ का अर्थ हम हाथी न करके अगे जायते, अर्थात जो पर्वत में उत्पन्न होने वाला होता है उसकी बात हो रही है, ऐसे स्पष्ट कर लेते तो उस प्रकार के गजऊ फिर इस प्रकार से परिहार हो जाता है, कि पहले वाले अगजऊ का अर्थ हाथी नहीं है ऐसी बात नहीं है, पहले वाले अगजऊ का अर्थ है पर्वत में उत्पन्न होने वाले हैं, पर्वत में निवास करने वाले हैं, इसीलिए वो गजऊ हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विरोधाभास अलंकार भी हमें दिखता है। तो इस प्रकार से बड़ा ही सुंदर श्लोक है, यहाँ आप सभी को याद भी करना चाहिए और परीक्षा के लिए तैयार तो करना ही चाहिए। तो आज के अभ्यास में बस इतना ही, अग्रिम श्लोकों को लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होऊंगा। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार।